आज हम आप लोगों को नोटपैड सिखाएंगे कंप्यूटर में कैसे ओपन करते हैं। जैसे ही है हमने लिखा, पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश कर लिए, इस विंडो को खोलें, इसमें नोटपैड लिखेंगे, इन लिखें, इंटर करेंगे, नोटपैड ऊपर आ गया। इसमें नोटपैड को रख कर लेंगे, इसमें क्या होता है, फाइल होता है, फाइल में न्यू कंट्रोल एन दबेंगे तो न्यू पेज खुलेगा, न्यू विंडो खुलेगा, ओपन होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, फेज सेटअप होता है, प्रिंट होता है और एग्जिट होता है। एडिट में क्या होता है, एडिट में कट कॉपी पेस्ट डिलीट अंडो सर्च बॉक्स फाइंड नेक्स्ट फाइंड प्रीव्यू प्लेस गो टू स्पेक्टर टाइम एंड डेट होता है। सबके इधर शॉर्ट की दिया हुआ है, शॉर्ट की से हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में वक्त टाइप होता है और फॉन्ट होता है। जैसे कि अगर हमने कुछ लिख लिया, जैसे कुंदन कुमार लिख लिया हमने, कुंदन कुमार लिख लिया, ये मेरे चैनल का लोग नाम है, ऐसे लिख लिया। अब इसको बड़ा करना होगा तो हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे, अगर ऐसे नहीं करना है तो इसको सिर्फ यहाँ कर्सर रखेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे कंट्रोल ए से। इसको बड़ा करने के लिए फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके, एक मिनट, सेलेक्ट ऑल करके सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट में आएंगे। फॉन्ट में आने के बाद यहाँ फॉन्ट एरियल है, इसमें जैसे जिस तरह का हमको करना है उस तरह का कर सकते हैं, स्टाइल बदल सकते हैं फॉन्ट का, और साइज बदल बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे हमने 28 ले लिए तो यहाँ बढ़ रहा है, देखिए 36 ले लिया और बड़ा हो गया, 48 ले लिया और बड़ा हो गया, 72 ले लिया और बड़ा हो गया, हम 36 पर लेकर चलते हैं। इसको ओके करेंगे, बड़ा हो गया, इसको हटा देंगे ऐसे ही। अब इसको अगर फिर से फॉन्ट बदलना है तो सिर्फ डालेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट में आके यहाँ से अपना बड़ा कर लेंगे, जैसे उन्हें बोल्ड कर लिया। अगर इसमें फॉन्ट में अगर हमें चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर देंगे, इस तरह का फॉन्ट आएगा, जैसे आप निम्फोस सिंपल में देख सकते हैं। ऐसे करके हमने ओके कर दिया, देखिए ये इस तरह का हो जाएगा। अगर हमें व्यू में जाना है, जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू में क्या होता है, स्टेटस बार और जोन होता है, जूम होता है, जूम आउट और जूम इन होता है। जूम इन करने के लिए जूम इन कर सकते हैं, और जूम आउट करने के लिए जूम इन में कर सकते हैं। हेल्प तो आप लोग जानते हैं, व्यू हेल्प और इसका अबाउट नोटपैड का होता है। ये अगर जैसे हमने सेव करना, कंट्रोल न्यू करना है, चाहे प्रिंट करना है, तो कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल पी दाबे, प्रिंट आ गया। हमें यहाँ प्रिंटर लगा हुआ होगा, प्रिंट करेंगे और प्रिंट लगा देंगे, प्रिंट निकल जाएगा। आज के लिए यही, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कुछ सीखने के लिए सब्सक्राइब करें कुंदन कुमार 06 यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।